दो है। तो पहले हम लिख के दिखाते हैं आपको एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण अगर लिखें, ठीक है, एक चर वाले, एक चर, ठीक है, तो एक चर वाले रैखिक समीकरण अगर देखते हैं, ठीक है, तो एक चर वाले रैखिक समीकरण देखने के लिए हम क्या करेंगे, चर हमारा एक होगा, रैखिक भी होगा, ठीक है। तो लिखते हैं जैसे कि 2x + 5। देखिए चर हमारा एक ही है ना, दूसरा चर तो है नहीं, चर हमारा एक है और रैखिक भी है क्योंकि इसका पावर 1 है, पावर कितना है 1 है, तो ये रैखिक हो गया। तो ये एक चर वाले रैखिक समीकरण हो गया। इसका जो टाइप होता है कैसे लिखा जाता है, वो ax + b के रूप में लिखा जाता है, ठीक। अब लिखा रहे हैं दो चर नीचे में क्या होना चाहिए, मतलब नीचे में नहीं, रैखिक समीकरण होना चाहिए, ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो हमारे पास दो चर चाहिए, तो एक चर मेरा तो x था, दूसरा चर क्या होना चाहिए, y होना चाहिए, सिंपल है। तो क्या लिखेंगे हम, जैसे लिखा 2x + 3y, दो चर हो गया, रैखिक भी है क्योंकि पावर कितना है हमारे पास, पावर सब पे कितना हो रहा है, पावर हमारा 1 हो रहा है, देखिए यहाँ भी, यहाँ भी। ठीक है, 2x + 3y और प्लस, अच्छा एक तो कांस्टेंट भी होना चाहिए, मतलब अचर भी होना चाहिए, ठीक है, एक अचर भी होना चाहिए। तो अचर हमारे पास कौन है भाई, तो मान लीजिए कि 5 लिखा, 6 लिखा, जो भी लिखा वो अचर हो गया, तो ये समीकरण हो गया, ठीक है। और इसको बराबर 0 भी कर सकते हैं हम लोग, ये अगर 0 बराबर 0 किए तो समीकरण है, और नहीं तो आपका एक्सप्रेशन हो जाता है, इक्वेशन होगा या एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। चलिए, तो एक चर वाला दिख गया, दो चर वाला भी दिख गया। अब मेरा काम कितना है, दो चर वाला दो टो चाहिए, ठीक है, तो दो चर वाला दो टो कैसे लिख सकते हैं, देखिए, तो एक मैंने लिखा 3x - 5y + 2 = 0, एक समीकरण लिखा, फिर लिखा 2x - 4y + 5 = 0, ये दो समीकरण, ठीक है, तो ये हमारे पास दो समीकरण हो गया। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब तो ये तो रही बात इसका, मतलब कि वैल्यू लिखने का। अब अगर हम इसको सिर्फ ऐसे लिखना चाहें, मतलब कि सिर्फ इसका जो ढंग है लिखने का, स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax + by + c = 0, ठीक है, ऐसा फॉर्म है ये। तो अगर एक लिखना है तब, ठीक है, एक ही इक्वेशन लिखना है तब ऐसा, मतलब कि इसको ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन मेरे पास कितना इक्वेशन चाहिए, हमको दो चाहिए, ठीक है, दो इक्वेशन चाहिए, ऐसा ऐसा दो चाहिए, दो चर वाला दो चाहिए। तो देखिए दो चर वाला वो कैसे लिखेंगे, तो a1x + b1y + c1 = 0, फिर है a2x + b2y + c2 = 0, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। कहने का मतलब क्या हो गया, यही इक्वेशन को हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में a b के रूप में लिखा जाता है, तो a1x, अब a1 देखिए कैसे लिखना है, पहले a1 दीजिएगा, a है तो a1 दीजिएगा, b है तो b1 दीजिएगा, c है तो c1 दीजिएगा, और नीचे वाला में a2 b2 c2, एक तो में x लगेगा, एक तो में y लगेगा, बस नहीं, तो इस तरीके से लिखना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि रैखिक समीकरण हमारे पास कितना आ गया, दो रैखिक समीकरण आ गया, दो रैखिक समीकरण मतलब दो सरल रेखा, ठीक है, एक रैखिक समीकरण एक सरल रेखा, दो रैखिक समीकरण दो सरल रेखा। तो रैखिक समीकरण सरल रेखा जो बनाएगी, सरल रेखा जो है तो आपके, मतलब कि दो सरल रेखा जो बनाइएगा, तो दो सरल रेखा में क्या क्या हो सकता है, तो दो सरल रेखा में हमारा, देखिए यहाँ पर अभी आपको दिखाते हैं,
देखिए दो सरल रेखा में हम लोग क्या करते हैं, दो सरल रेखा में हम लोग क्या हो सकता है। तो अगर एक मेरा प्लेन है उसमें हम दो सरल रेखा खींचे तो कैसे कैसे खींच सकते हैं। चलिए एक ऐसे खींच दिया, एक ऐसे खींच दिया, ठीक। तो एक नंबर ये हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है देखिए ये तो आगे जाके क्या हो कटेगा ना कहीं पर, ठीक है। तो ये इस तरह से कटेगा, देखिए ये आगे बढ़ा दिए सरल रेखा है ना, तो ये आगे बढ़ेगा कट जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, ये कटने वाली रेखा है, फिर अब नए कटने वाली रेखा भी बनाना होगा। चलिए एक ऐसे हो गया और एक ऐसे हो गया, ठीक है। तो ये आपका कटने वाली है आगे, इसको ऐसे काट देते हैं, ठीक है। आगे जाके कटना ही कटना है इसको, ये वाला कभी नहीं कटेगी। जैसे कि रेलवे लाइन की पटरी जैसे जिस जैसे जाती है दोनों लाइन, तो उसी तरह से ये समांतर कहते हैं इसको। और तीसरा क्या होता है कि एक दूसरे पर चढ़ जाती है, ऐसे है और एक और उस पर चढ़ गई, सेम सेम आ गया, ठीक है। एक है दूसरा उस पर चढ़ी हुई है, तो तीन पॉसिबल चीज़ हो सकती है। तो वही चीज़ मैंने लिखा है यहाँ पर। तो रैखिक समीकरण सरल रेखा, पहले तो ये लिखा हुआ है कि रैखिक समीकरण सरल रेखा बनाएगी, हाँ पता है, लेकिन हमारे पास दो है ना, एक में दो है, तो दोनों जो है क्या क्या कर सकती है, तो दोनों का क्या क्या कर सकती है। तो एक है प्रतिच्छेद करेगी, प्रतिच्छेद मतलब कौन, यही कटने वाला, कट जाएगी, प्रतिच्छेद मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं इसको, कटेगी, ठीक है, ठीक है, कटेगी हो गया। दूसरा क्या है भाई, दूसरा है प्रतिच्छेद नहीं करेगी, ठीक है, प्रतिच्छेद नहीं करेगी, तो दूसरा है हमारे पास प्रतिच्छेद नहीं करेगी, ठीक है। तो प्रतिच्छेद नहीं करेगी तो क्या होगा भाई, प्रतिच्छेद नहीं करेगी तो समांतर होगी, सिंपल सी बात है। तो ये हो जाएगा मेरा समांतर। तीसरा क्या है, संपाती होगी, एक दूसरे पर चढ़ जाएगी, तो संपाती मतलब हो जाता है एक दूसरे से, एक दूसरे पर चढ़ जाना, ठीक है। तो ये तीन पॉसिबल चीज़ हो सकता है हमारा मतलब इक्वेशन में, मतलब कि जो मतलब जो हम लोग पढ़ रहे हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म में। युग्म मतलब यहाँ पर देखिए युग्म है, युग्म का मतलब होता है पेयर, ठीक है, ये बात समझिएगा, पेयर होता है। तो पेयर वाला चीज़ क्या हो सकता है, जैसे कि सिंपल सी बात है कि कहीं पर भी अगर दो लाइन आप खींच रहे हैं तो ऑब्वियसली वो या तो कटेगी या तो समांतर होगी या तो तीसरा है कि एक ऑप्शन है कि उसके ऊपर चढ़ सकती है। तो अब कहने का मतलब है कि जब भी दो इक्वेशन हम लिख रहे हैं, ठीक है, दो इक्वेशन कोई भी हम लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लिखा यही इक्वेशन ले लेते हैं, ये वाला इक्वेशन अगर हम ले रहे हैं तो इन दोनों को क्या करते हैं, हल होता है इसका, इसका हल करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन कैसे कैसे कर सकते हैं, तो सॉल्यूशन आप जैसे कि इसका तरीका होता है सॉल्यूशन करने का, उस हिसाब से एक्स सॉल्यूशन करने का मतलब हुआ एक्स और वाई का मान निकालना है, है ना, होता है ना, अलजेब्रा में तो यही होता है एक्स और वाई का मान निकालना। तो इसमें दो तरह का चीज़ होता है, पहला चीज़ या तो एक्स वाई का मान आप सीधा सीधे निकाल लीजिए अलजेब्रा की तरफ से, या तो एक मेथड होता है ग्राफी विधि, ग्राफी विधि मतलब इसका पहले ग्राफ बनाइएगा, फिर इसका ग्राफ बनाइएगा, और उसके बाद ग्राफ बनाने के बाद जैसा आवे, तीन ऑप्शन आ सकता है, तीन चीज़ जैसे बताएं आपको क्या क्या आ सकता है, एक आ सकता है कि प्रतिच्छेद करेगी, दूसरा आ सकता है कि ये आपके जाके पैरेलल हो जाएगी, ठीक है, समांतर हो जाएगी, और तीसरा क्या हो जाएगा, संपाती हो जाएगी। तो ये तीनों, तो इन तीनों को मतलब कि बिना बनाए, इसको बिना बनाए डायरेक्ट जो है हम लोग देख के या ग्राफ बना करके हम लोग चेक कर सकते हैं कि इसका हल कैसा होगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को हमको इसमें पढ़ना है, ठीक है, हल निकालना है, बेसिकली हल निकालना है और हल कैसा होगा उससे बताना है कि प्रतिच्छेद करेगा लाइन कि ऐसे सीधा सीधी, आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, शॉर्टकट बताना है आपको, ठीक है, कुछ ज़्यादा अंदर नहीं जाना, शॉर्टकट ही है ये। चलिए आपको आप ट्रिक बताते हैं जिससे आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है, फालतू तो कुछ भी नहीं, सीधा सीधी स्ट्रेट, ठीक है, पढ़ने वाले लोगों के लिए एकदम स्ट्रेट बात, सीधी बात कर रहे हैं हम, कि मेरे पास दो इक्वेशन रहेगा, दोनों इक्वेशन की मदद से हम किस तरह से बता सकते हैं बिना कॉपी कलम उठाए, ठीक है,
बिना कॉपी कलम उठाए हम कैसे बता सकते हैं कि लाइन जो ये दोनों जो लाइन बना हुएगा वो कट रहा है कि समांतर है कि एक दूसरे पर चढ़ रहा है। ठीक है, ये तीन ऑप्शन था ना, संपाती जिसको कह देते थे, संपाती मतलब एक दूसरे पर चढ़ना। तो ये तीन ऑप्शन ही है। तो अब ये जो तीन ऑप्शन है, तो इस तीन ऑप्शन में हम लोग सिर्फ देख के बताएंगे कि क्या होगा। चलो तो पहले अभी ऐसे देख के बता रहे हैं हम लोग कि अगर ए वन, देखिए ये वाला ए वन है, यहाँ देखिएगा ये ए वन है और ये ए टू है, तो ए वन बटे ए टू इक्वल नहीं होगा बी वन बटे बी टू से, तो कहेंगे सीधा सीधी कि लाइन क्या होगा, प्रतिच्छेद करेगा। अब बताइए ए वन का मान दिया हुआ, ए टू का मान दिया हुआ, बी वन का मान दिया हुआ, बी टू का, ऑब्वियसली यहाँ पर तो दिया तो रहेगा ना, दिया ही रहेगा, ऐसा थोड़ी रहेगा, ये तो बताया जा रहा है कि ये इस तरह से होना चाहिए, ये रूप है उसका। ठीक है, तो रूप है, असली रूप तो भी आया नहीं है, असली रूप जब आएगा तो उसमें ए वन ए टू दिया रहेगा। तो आपको सिंपल क्या करना है, ए वन ए टू लिखना है और बराबर बी वन बी टू करना है। अगर बराबर हुआ, मतलब कि बराबर नहीं हुआ तो प्रतिच्छेद कहेंगे। अगर तीनों बराबर हो, यानी कि ए वन ए टू बी वन बी टू और सी वन सी टू, तीनों को इस तरह से लिखिएगा, ऐसे करके लिख देना है, जो भी दिया रहे उसको लिख देना है इस तरह से। अगर तीनों बराबर हुआ तो बोलेंगे संपाती है। ठीक है, और अगर सिर्फ दो ही बराबर है तो क्या कहेंगे, मतलब तीसरा नहीं बराबर है तो समांतर है। ठीक है, तो यही तीन ऑप्शन है, तीन ही ऑप्शन को पकड़ के चलना है। प्रतिच्छेद वाला बहुत हल्का है, सिर्फ दो ही ठोक लेना पड़ेगा, संपाती में तीनों लेना पड़ेगा। क्यों तीनों ले रहे हैं भाई, इसलिए तीनों ले रहे हैं क्योंकि देखिए अगर बराबर हुआ तो यहाँ भी तो बराबर है, कौन सा संबंध में आएगा, इसलिए तीसरा वाला लेना होगा। अगर तीनों खुला मिल गया आपको बराबर तो संपाती कहेंगे, अगर दो ठो बराबर हुआ है एक ठो बराबर नहीं हुआ समांतर, तो रट लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसको क्या करना है, हमको रटना है, अभी तो फिलहाल रटना ही है, अभी तो आप लोग कितने भी क्या बोल रहे हैं पकने गए हैं कि आप लोग जो है समझ जाइएगा। ठीक है, जो भी है अभी फिलहाल रटना है, बोर्ड को देखना है मेन चीज़ है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा रहेगा, पक्का रहेगा। ठीक है, तो वीडियो लंबा हो रहा है तो ज़्यादा हम बड़ा नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग को 15 मिनट के बाद बोर लगने लगेगा क्योंकि वजह यही है कि अभी पढ़ के मतलब कि दो दो टाइम पढ़ना है, ऑनलाइन भी पढ़ना है ऑफलाइन पढ़ना है, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। इस वजह से हमने स्टार्ट किया ऑनलाइन क्लास, ताकि जो है आपका पीछे का सारा डाउट क्लियर हो जाए। और जो महानुभाव अभी तक भी किताब नहीं निकाल रहे हैं, वीडियो भी नहीं देख रहे हैं, तो उनका तो अल्लाह मालिक है। ठीक है, उनका दो ही मालिक है, या तो अल्लाह मालिक है नहीं तो फिर फेल करना है। ठीक है, अब सोचेंगे बिना पढ़े जो है हम पास कर जाएं तो ये तो होने वाला है नहीं। ठीक है, टफ़ से टफ होता चला जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। तो कहने का मतलब ये भाई, जो हल्का चैप्टर हो तो पढ़ लें, कम से कम हम लोग इतना तो तैयारी करें कि पास कर जाएं, तो कम से कम 50-60 मार्क्स का या 70 मार्क्स का तैयारी करते हैं, 30 मार्क्स मान लीजिए छोड़ देते हैं, जो आपको भारी लगता हो छोड़ जाएगा, जैसे मान लीजिए सरफेस एरिया है वो भारी लगता है। ठीक है भाई, है ना, छोड़ देते हैं भाई उसको, हम तो नहीं छोड़ेंगे, हम तो पढ़ाएंगे, लेकिन आपको छोड़ना है, आपको समझना है। चलिए फिर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में जल्दी। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक चैनल, सब्सक्राइब कर लें, और यहाँ पर जो है मिशन 23 चल रहा है मैट्रिक का, तो सारे जितने भी वीडियोस हैं सबको आप लोग देखिए बढ़िया से, और जो है उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी आपको एग्जामिनेशन में। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर ऑल्सो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।